अपनी पिछली रिपोर्ट में ये तो हमने आपको बताया ही था कि डॉक्टर हाथी के डॉक्टर मूफी ने उन्हें दूसरी सर्जरी करवाने की सलाह दी थी, जिससे वो अपना वजन कुछ और किलो कम कर सकते थे। डॉक्टर मूफी ने कहा था कि अगर डॉक्टर हाथी इस बार अपनी सर्जरी करवाते हैं तो उनके शरीर से 90 किलो कम हो जाएगा। वहीं अब डॉक्टर मूफी ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। दरअसल जब डॉक्टर हाथी ने 8 साल पहले अपनी सर्जरी करवाई थी, तब उनकी सर्जरी का खर्चा सलमान खान ने उठाया था। जी हाँ, डॉक्टर हाथी सेट पर ही बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर मूफी के अस्पताल में भर्ती किया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर मूफी ने डॉक्टर हाथी की सर्जरी मुफ्त में की, लेकिन बाकी का खर्च, जैसे दवाइयों से लेकर हॉस्पिटल का कमरे का खर्च, ये सब खुद अभिनेता सलमान खान ने भरा। जी हाँ, सलमान खान ने डॉक्टर हाथी के इलाज का पूरा खर्च उठाया। सलमान खान और डॉक्टर मूफी दोनों ही एक साथ सलमान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन के लिए काम करते हैं। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर मूफी ने डॉक्टर हाथी को ये चेतावनी दे दी थी कि वो दूसरी सर्जरी ना करवा कर अपनी जिंदगी पर रिस्क ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हाथी ने काम न मिलने के डर से दूसरी सर्जरी करवाने से इनकार कर दिया था। फाइनल कार्ड न्यूज डेस्क। मनोरंजन से लेकर राजनीति तक, अजब गजब से लेकर ऐतिहासिक तक, हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।